अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम और लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स को स्टडी किया था। बहुत सारे फीचर्स हमने जनरल कैरेक्टर्स ब्रायोफाइट्स के पढ़े थे। आइए आज हम पहले देखते हैं ब्रायोफाइट्स और एल्गी में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द 3 क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये तो सब आप ही को मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखते हैं कौन प्रीवियस लेक्चर्स पढ़कर आया है। सो सिमिलैरिटीज बिटवीन, बताइए क्या लिखूं, ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये नहीं लिखेंगे कि दोनों ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्योंकि वो तो प्लांट किंगडम में आते तो है ही। हम और कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे नंबर 1 बोथ आर, बताइए स्पर्मेटोफाइट्स या नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। वी नो इनमें सीड नहीं बनेगा, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। इनफैक्ट जो नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स हैं उसमें भी हम यही लाइन लिखते हैं। और अगर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं, यानी कि इन्हें ही हम और क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स। याद है ना आपको, हिडन सेक्स ऑर्गन्स, क्रिप्टोगैम्स। नाउ दोनों ही जो हैं, इनकी बॉडी कैसी है बताइए, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम, यानी थैलस लाइक बॉडी है। जबकि टेरिडोफाइट जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ट्रू लीफ और स्टेम बनेगी। और इस तरह की बॉडी को हमने क्या कहा था, ऐसे प्लांट्स को नॉन कॉर्मोफाइट्स। नॉन कॉर्मोफाइट्स का मतलब थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक बॉडी, या ये कहें कि ट्रू रूट्स लीव्स एंड स्टेम एबसेंट। हालांकि ब्रायोफाइट्स में डिफरेंसिएशन ज्यादा है, बेटर है एज कंपेयर टू एल्गी, लेकिन ट्रू लीव रूट स्टेम यहां भी एबसेंट है। तो ये दोनों ही नॉन कॉर्मोफाइट्स हैं। नाउ बताइए और क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में ही जाइलम फ्लोएम नहीं मिल रहे हैं, वस्कुलर टिश्यू नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों ही ए ट्रेकियोफाइट्स हैं। दैट मीन्स वस्कुलर टिश्यू इज एबसेंट, वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट। चलिए और देखें और क्या है कॉमन इनमें। दोनों में ही स्टूडेंट्स जो प्लांट की मेन बॉडी है, डोमिनेंट बॉडी है, वो गैमेटोफिटिक है। एल्गी में तो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल थी, तो गैमेटोफाइट ही बनता था, स्पोरोफाइट के नाम पर बस एक जाइगोट बनता था। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में हालांकि स्पोरोफाइट बनता है लेकिन वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। तो मेन जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो दोनों में ही गैमेटोफिटिक है। तो मैं थर्ड फिफ्थ पॉइंट लिखती हूँ, जो डोमिनेंट बॉडी है प्लांट की दैट इज गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नाउ एक और सिमिलैरिटी है, दोनों को ही फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। एल्गी तो होते ही एक्वाटिक हैं, ब्रायोफाइट्स हालांकि फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, बट फॉर देयर रिप्रोडक्शन, फॉर देयर फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर, वाटर इज असेंशियल। सो वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन बोथ। तो ये है कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। आइए अब हम देखते हैं कि इनके बीच में डिससिमिलैरिटीज क्या हैं। तो मैं एक तरफ लिख देती हूँ ब्रायोफाइट, या पहले एल्गी लिखते हैं, चलिए एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, और एक कॉलम हम बनाते हैं कि हम किस कैरेक्टर से कंपैरिजन कर रहे हैं। सो कैरेक्टर, नाउ फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, बताइए कहां होता है कहां नहीं होता है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि एल्गी में एम्ब्रियो कभी नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस हो जाता है। सो यहां पर ये एब्सेंट है, जबकि यहां पर ये प्रेजेंट है। ये फर्स्ट एम्ब्रियो फाइट्स होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ सेकेंड, फीमेल सेक्स ऑर्गन देखते हैं कैसा है। देखो मेल सेक्स ऑर्गन दोनों में एंथ्रीडियम है, लेकिन एल्गी में यूनिसेल्यूलर है और ब्रायोफाइट्स में मल्टीसेल्यूलर है। तो मेल की अगर हम बात करें तो दोनों में सेम है एंथ्रीडियम, यहां भी एंथ्रीडियम, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेल्यूलर एंड जैकेटेड होते हैं,
जबकि यहाँ पर यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। यहाँ मुझे सॉरी मेल लिखना चाहिए था, मेल। लेकिन अगर मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूँ तो फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी में यूनिसेल्यूलर ऊगोनियम होता है। ऑफकोर्स एंथ्रीडियम और ऊगोनियम दोनों नॉन जैकेटेड है तो मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ, लेकिन ब्रायोफाइट्स में पहली बार मल्टी सेल्यूलर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चीगोनियम बना। याद है आपको, इसीलिए हमने ब्रायोफाइट्स को क्या कहा था, फर्स्ट आर्चीगोनिएट्स, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, ये सब हमने नाम रखे थे। नाउ और देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें बॉडी कितने नंबर में होगी, मतलब सिर्फ गैमेटोफाइट है या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों है। सो नंबर ऑफ बॉडीज इनकी लाइफ साइकिल में कितनी बनेंगी, यहां पर सिर्फ एक बनेगी एंड दैट इज गैमेटोफाइट, ओनली गैमेटोफाइट। जबकि यहां पे दो बॉडीज हैं, हालांकि डोमिनेंट गैमेटोफाइट है बट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। ये ऑफकोर्स हैप्लॉइड होगी, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगी, यहां पर तो ये हैप्लॉइड ही होगी। तो अब बताइए मैं और क्या लिख सकती हूं डिफरेंस करते हुए कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी है। इसी पॉइंट से समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। हालांकि कुछ एल्गी एक्सेप्शनल होते हैं लेकिन हम एक्सेप्शंस की अभी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक थी, केल पेक्टोकार्पस की हैप्लोडिप्लॉन्टिक थी, बट हम अभी एक जनरल बात कर रहे हैं, जबकि यहां पर तो हमेशा हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों फेज है। नाउ यहीं पर क्योंकि लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं मियोसिस कैसा होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, इसे हमने कहा था जाइगोटिक मियोसिस। जबकि ब्रायोफाइट्स में जाइगोट में मियोसिस नहीं हुआ था, जाइगोट में माइटोसिस होके एम्ब्रियो बना था, स्पोरोफाइट बना था, उसमें स्पोर मदर सेल्स थे, उनके अंदर मियोसिस हुआ था ताकि स्पोर्स फॉर्म हो, सो दैट इज स्पोरिक मियोसिस। सब आता है आपको, बस हमने एक जगह टैब्यूलेटेड फॉर्म में लिख दिया ताकि हमारे माइंड अच्छे से ग्रास्प कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई पूछे कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्टूडेंट्स एल्गी में तो एक ही जनरेशन है गैमेटोफाइट, तो हमने इसे क्या कहा था, होमोमॉर्फिक, एक ही मॉर्फोलॉजी है। जबकि यहां पर दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक गैमेटोफाइट का, एक स्पोरोफाइट का, इसे हमने क्या कहा था, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो दीज आर द डिफरेंसेस। अब आइए हम बात करते हैं द वेरियस क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स और हम ट्रिक से इनके एग्जांपल्स को लर्न करेंगे। सो थ्री क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, एल्गी में भी हमने थ्री क्लासेस पढ़ी थी, आपको याद है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा, रोडोफाइसी रेड एल्गा एंड फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। आइए हम इन्हें देखते हैं। अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में दो ही मेंशनड है, थर्ड वाली अब अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम तीनों को पढ़ेंगे बिकॉज नीट के सिलेबस में नहीं है, बट हमें सभी एग्जाम्स को टारगेट करना है। आर टारगेट इज 360 आउट ऑफ 360, सो लेट अस सी। नाउ यहाँ पे तीन क्लासेस के क्या नाम है समझिएगा। फर्स्ट क्लास के जो मेंबर्स हैं वो लिवर जैसे दिखते हैं, ह्यूमन लिवर होता है ना, जैसे लिवर मुझे बनाना है कुछ ऐसा, ये लिवर बनाते हैं अपन, तो क्योंकि लिवर जैसे दिखते हैं तो लिवर को हम हिपैर वर्ड यूज करते हैं, जैसे लिवर के सेल्स को हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, तो इस क्लास का नाम ही हो गया हिपैटिकॉप्सिडा। तो पहला है हिपैटिकॉप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा, और ये लिवर की तरह दिखते हैं तो इन्हें कॉमनली कहते हैं स्टूडेंट्स लिवर वर्ड्स। एनसीईआरटी में हिपैटिकॉप्सिडा टर्म नहीं लिखा, वहां पे लिवर वर्ड्स लिखा हुआ है। और क्यों, क्योंकि इनका जो थैलस है, थैलस लुक्स या अपीयर्स लाइक लिवर। अब इसमें तीन एग्जांपल्स हमें याद करने हैं। वैसे तो आपको याद है हमने क्रिप्टोथैलस पढ़ा था, एक सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट लास्ट क्लास में, वो भी लिवर वर्ट ही होता है, बट स्टिल अगर मुझे याद करना है तीन नाम तो मैं कैसे याद करूंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, मुझे लिवर खरीदना है तो मैं गई और मैंने बोला भाई इसका लिवर का, अब आप कहोगे मैम इंसान का लिवर क्यों खरीदना है, इंसान का जरूरी थोड़ी ना है, हो सकता है मुझे कॉड लिवर ऑयल चाहिए, मैं फिश का लिवर ले रही हूं, तो मैं क्या पूछूंगी कि इस लिवर की
एमआरपी क्या है? पूछते ना अपन कोई कपड़ा कुछ भी लेने जाते हैं, इसकी एमआरपी क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, तो यही मैंने पूछा। तो उसने मुझे जवाब दिया मार्केंशिया, इसका पहला एग्जाम्पल, रिक्शिया इसका दूसरा एग्जाम्पल, और पोरेला इसका तीसरा एग्जाम्पल। हालांकि यहाँ पे क्रिप्टोथैलस भी आता है जो कि एक सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट है, लिख देती हूँ मैं, हम पढ़ चुके हैं। तो हम एमआरपी से याद रख लेंगे मार्केंशिया, रिक्शिया एंड पोरेला। एनसीईआरटी में मार्केंशिया के बारे में बताया हुआ है, तो ऑफकोर्स ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तीन एग्जाम्पल्स तो हमें रटे होने चाहिए। नाउ सेकेंड क्लास जो एनसीईआरटी में नहीं दी है उसका मेंबर है स्टूडेंट्स एंथीसिरोज, और क्योंकि उसका एग्जाम्पल एंथीसिरोज है, एंथोस मीन्स हॉर्न जैसे हैं वो, तो उस क्लास का नाम हो गया एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। इनमें सींग जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इन्हें हॉर्न वर्ड्स कहते हैं, लिवर वर्ड्स नहीं, ये हैं हॉर्न वर्ड्स। और यहां पर हमें एक ही एग्जाम्पल याद रखना है जो बड़ा आसान होगा, इसी से हम याद रख सकते हैं एंथोसिरोस। अब हम थर्ड क्लास पे आते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जो मोस्ट एडवांस्ड है, और उसका नाम है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोफाइट से हम इजीली ये समझ सकते हैं, ब्रायोप्सिडा। और इन्हें कॉमनली कहते हैं स्टूडेंट्स मॉसेस। तो जब भी मैं मॉसेस कहूंगी तो मैं इन्हीं ब्रायोप्सिडा की बात कर रही हूं, जब मैं लिवर वर्ड्स कहूंगी तो मैं हेपेटिक ऑप्सिडास की बात कर रही हूं। अब इनके नाम कैसे याद रखेंगे? इनका नाम याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताती हूं, जिसमें कुछ दो बातें ऐसी भी आएंगी जो इसका कैरेक्टर है वो हम यही याद कर लेते हैं। मेरे एक मौसाजी हैं, ठीक है, मौसाजी। तो मौसाजी की ना हमने एक प्रतिमा बनाई, और प्रतिमा पर हमने फूलों का हार नहीं चढ़ाया, हमने पत्तियों का हार चढ़ाया, लीफ का हार चढ़ाया, और बहुत बढ़िया। मौसाजी जो है बड़े हिट थे, बहुत फेमस थे, ही वॉज अ ग्रैंड पर्सनैलिटी, उनकी प्रतिमा बनाई गई, हार वार चढ़ाया गया, तो नेचुरली उसके बाद में बहुत मस्ती मजे पार्टी करी गई। तो बहुत मस्ती यानी फन किया हमने, बहुत फन किया। और जो मौसाजी थे उनका एक अलग ही स्वैग था, जैसे सलमान खान बोलते हैं ना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो बस बिल्कुल वैसे ही मौसाजी एकदम हिट थे। आइए अब इस ट्रिक को हम डिकोड करते हैं, ये ब्रायोप्सिडा के लिए ट्रिक है। मौसाजी मतलब मैं बात कर रही हूं मॉसिस की, तो मौसाजी मॉसिस। नाउ प्रतिमा मतलब इसमें स्टूडेंट्स एक स्टेज बनेगी जिसे प्रोटोनिमा कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो सिर्फ मॉसिस में बनती है, लिवर वर्ड्स हॉर्न वर्ड्स में नहीं, तो प्रोटोनिमा से हमने प्रोतिमा यानी प्रतिमा कर दिया, सो प्रोटोनिमा इसमें मिलेगा। और लीफ पत्तियों का हार चढ़ाया है क्योंकि इसमें अभी हम देखेंगे ये लिवर जैसा है, ये हॉर्न सींग जैसा है, और ये लीफी गैमेटोफाइट है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, सो इसका लीफी गैमेटोफाइट है, हम अभी देखेंगे डायग्राम बनाकर भी गैमेटोफाइट। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। तो बहुत मतलब बहुत, बहुत के लिए हम बायो में क्या यूज करते हैं, पॉली। तो यहां पर है पॉलीट्राइकम, इसका पहला एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम याद होना चाहिए। फन से है फ्यूनेरिया, इसकी तो लाइफ साइकिल हम अच्छे से समझेंगे, फ्यूनेरिया फन, फन से फ्यूनेरिया। और स्वैग से है स्फैग्नम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्फैग्नम। ये तीनों एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, स्वैग से स्फैग्नम। इवन आपको याद है बॉम्बोमिया पढ़ा था हमने, बॉबोमिया, बॉबॉक्सिया जिस जो सैप्रोफिटिक था वो मॉसी था। एक तो क्रिप्टोथैलस पढ़ा था वो लिवर वर्ड था, और जो बॉबॉक्सिया पढ़ा था सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट वो मॉस था। सो एनीवेज ये एक ट्रिक है जिससे हम एग्जांपल्स याद करेंगे। यहाँ भी तीन एग्जांपल्स हैं, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। आप इसको नोट करिए, फिर हम इन तीनों क्लासेस को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे और इनके डायग्राम्स भी हम ट्रिक से लर्न करेंगे। प्लीज नोट दिस। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों क्लासेस को कंपेयर करते हुए सभी कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और फिर हम इसकी लाइफ साइकिल भी बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। प्लांट किंगडम में बच्चे बोलते हैं
कि बहुत बोरिंग है. बोरिंग नहीं है, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको बहुत मजे आएंगे, वरना फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैं कैरेक्टर लिख देती हूँ. अब मैं हिपैटिक ऑप्सिडा नहीं लिख रही हूँ, मैं लिवर वर्ड्स लिख देती हूँ, उसका कॉमन नेम. यहाँ पर मैं हॉर्न वर्ड्स लिख देती हूँ, जो एंथीसेराटोप्सिडा का कॉमन नेम है. और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ बताइए, मॉसेस यानी ब्रायोप्सिडा, मॉसेस. फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका गैमेटोफाइट कैसा है तीनों का. गैमेटोफाइट मतलब स्टूडेंट्स, सॉरी ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इनफैक्ट मुझे प्लांट बॉडी कैसी है ऐसा लिखते हैं. सब बहुत छोटे छोटे होते हैं, चंद सेंटीमीटर. हमें पता है लार्जेस्ट ब्रायोफाइट ही 50 to 70 सेंटीमीटर का है डॉसनिया, अदरवाइज तो सब बहुत छोटे छोटे हैं. जैसे फ्यूनेरिया जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो 3 to 5 सेंटीमीटर, आप स्केल पे नापो इतना सा है, छोटा सा है. तो वो जो प्लांट बॉडी हमें दिख रही है वो आखिर कैसी है प्लांट बॉडी. देखिए तीनों में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट ही है, ये तो कॉमन पॉइंट है जो हम तीनों में लिख देंगे. गैमेटोफिटिक यानी हैप्लॉइड है, ये तीनों में आएगा. लेकिन इसकी प्लांट बॉडी जब आप देखोगे, लिवर, लिवर मतलब चपटा, तो ये ऐसा चपटा होगा. चपटा मतलब ये सपोज सबस्ट्रेटम है, ये इस पे चिपका हुआ है, लगा हुआ है, अटैच्ड है. तो एक ये सरफेस होगा नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला होगा. और हम हमेशा बायो में पढ़ते हैं कि जो नीचे वाला सरफेस है यही बाद में ऐसा हो जाता है, जो खड़े हुए इरेक्ट एनिमल्स हैं, इरेक्ट प्लांट्स हैं, उनमें ऐसा हो जाता है. तो ये आगे फ्रंट है, फ्रंट मतलब वेंट्रल या जहाँ बेली होती है, और पीछे वाला डॉर्सल. लेकिन जब लेटा हुआ है ऐसा तो ये नीचे वाला वेंट्रल और ऊपर वाला डॉर्सल, और वेंट्रल सरफेस अटैच होता है सबस्ट्रैटम से. तो इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ऐसी चपटी दिखेगी. तो हम क्या कहेंगे कि डॉर्सी वेंट्रली वो फ्लैट है, चपटी है, और सबस्ट्रैटम से बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड है. तो मैं यहां पर लिखती हूं कैसा गैमेटोफाइट मिलेगा इसमें. इसमें हमें मिलेगा डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट एंड बिल्कुल सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ यानी क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं. यहां पर सिर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो मॉसेस में बनेंगे. तो कैसे बॉडी होगी, जैसे मैं मार्केंशिया की बना के दिखाती हूँ आपको, जो एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, हम दोबारा भी बनाएंगे ऐसी. ये ऐसी चपटी हुई है. तो ये हो गया इसका डॉर्सल सरफेस जो ऊपर वाला है, डॉर्सल सरफेस. और ये नीचे वाला जहां पे यहां सबस्ट्रेटम होगा, ये हो गया वेंट्रल सरफेस. और क्योंकि वेंट्रल सरफेस को अटैच होना है सबस्ट्रेटम से, तो यहां पर राइजॉइड्स मिलते हैं यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. ये रहे, दीज आर द राइजॉइड्स. तो क्वेश्चन आता है कि राइजॉइड्स कौन से सरफेस पर हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस ऑलवेज. तो यहां पर राइजॉइड्स मिलेंगे. अब यहां पर क्या सिचुएशन है, पहले इसको डिस्कस करते हैं. यहां बिल्कुल सेम सिचुएशन है, यहां पर भी डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, वो तो तीनों में ही रहेगी, गैमेटोफिटिक. और यहां पर भी फ्लैटेंड है, फ्लैट बॉडी है, सेम है. और यहां पर भी राइजॉइड्स है, हालांकि हमें डायग्राम नहीं बनाना है एंथोसेरोस का. तो ये पॉइंट कॉमन है. अब इनका अगर एक राइजॉइड को हम स्टडी करें तो वो ऐसा है, मतलब एक सिंगल सेल का बना हुआ है, यूनिसेल्यूलर है, और उसमें कोई ब्रांचिंग्स नहीं निकल रही हैं. तो राइजॉइड कैसा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर लिखती हूं यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड. यहां पर भी सेम है, बिल्कुल वैसे ही है, यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड. अब अगर मैं इस बात को इतना जोर दे रही हूं तो डेफिनेटली मॉसेस में ये मल्टीसेल्यूलर और ब्रांच्ड मिलेगा. आइए देखते हैं मॉसेस में क्या सिचुएशन है. मॉसेस में भी स्टूडेंट्स जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, यानी वो हैप्लॉइड है, लेकिन वो ऐसी चपटी नहीं है, वो खड़ी हुई है. खड़ी हुई का मतलब कैसा होगा, फ्यूनेरिया का बना के दिखाती हूँ आपको. जैसे ये रूट्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, आई मीन लाइक दिस. ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसका,
कोलॉइड जिसे हमने कहा था, और ये ऐसे स्पाइरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड है। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, एक इसको देखिए, एक इसको देखिए, ये मार्केंशिया का डायग्राम है, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है, हम बनाएंगे। तो यहां पर जो बॉडी है वो फ्लैट नहीं है, वो इरेक्ट है, और उसमें तीन पार्ट्स है, ये लीफ जैसा है, तो इसे कहते हैं लीफी गैमेटोफाइट। लीफी गैमेटोफाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें राइजोइड मिलेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर, वो तो वहां भी मिल रहे थे, लेकिन इसके जो राइजोइड्स होंगे स्टूडेंट्स, वो कैसे होंगे देखिएगा। इसका राइजोइड ऐसा है, मल्टी सेल्यूलर है, कई सारे सेल्स का एक बना हुआ है, और उसमें भी फिर ब्रांचिंग्स हैं लाइक दिस। सो यहां पर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिवरवर्ड्स हॉर्नवर्ड्स में यूनिसेल्यूलर, मॉसेस में मल्टी सेल्यूलर, वहां पर अनब्रांच्ड, यहां पर ब्रांच्ड, और ब्रांचिंग में भी जो सेप्टा है वो ऑब्लीक सेप्टा है, ऑब्लीक सेप्टा। काम वही होगा, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट यहां पर ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी आ गया, और इसे हम कहेंगे कोलॉइड, वो वहां नहीं मिल रहा था, इसी के कारण ये सीधा खड़ा है, इरेक्ट है। सो दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और यहां पर मिलेंगी हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहेंगे फिलॉइड। दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर जहां फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, बट ट्रू लीव्स नहीं है। अब एक ऐसा लिवर वर्ट है स्टूडेंट्स जो लीफी होता है, पूरा लीफी तो नहीं बट उसको लीफी लिवर वर्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है समझिएगा, तो मैं यहां पर इसी का एक मेंबर बना रही हूं, दैट इज पोरेला। हमने एमआरपी में तीन एग्जांपल्स पढ़े थे, एम से मार्केंशिया, ये तो मार्केंशिया है, रिक्शिया और पोरेला। तो पोरेला जो है स्टूडेंट्स वो लीफी मेंबर है, लीफी मेंबर। इसमें क्या होगा, इसका डायग्राम बना के दिखाती हूं आपको मैं यहां पर। इसमें राइजोइड्स तो वो ही होंगे, यूनिसेल्यूलर अनब्रांच्ड, बट इसमें अब एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसमें इस तरह से दो रोज में, टू रोज में टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होंगे। ये शुरुआत है एक्चुअली मॉसेस बनने की, फिर एडवांसमेंट के बाद मॉसेस बनेंगे। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड इन टू रोज, ये फिक्स है, वहां पे तो और भी ब्रांचेस मिल सकती है, ये टू रोज में ही होंगे, ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ इट इज रिटन। तो बिल्कुल लीफी मेंबर्स मिलते हैं, बट ये एक्सेप्शन है। बेसिकली अगर कोई जनरल वे में पूछे, पोरेला का पूछे तो अलग बात है, वरना इनकी फ्लैटेंड बॉडी है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सो दिस इज हाउ देयर बॉडी इज, राइट। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, ये फ्यूनेरिया का है डायग्राम, अभी हम और अच्छे से बनाएंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्लीज नोट। आइए स्टूडेंट्स, अब सेकेंड कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, और वो है कि स्केल्स किस में मिलते हैं। स्केल्स प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, आइए देखें किस में मिलेंगे किस में नहीं। एक्चुअली स्केल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिवर वर्ड्स में मिलते हैं, प्लीज नोट करिएगा, हॉर्न वर्ड्स में और मॉसेस में स्केल्स एब्सेंट होते हैं, और लिवर वर्ड्स में भी वेंट्रल सर्फेस पर स्केल्स मिलते हैं टू प्रोटेक्ट। सो सेकेंड कैरेक्टर है स्केल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कहाँ प्रेजेंट है कहाँ एब्सेंट है। सो यहाँ पर प्रेजेंट है, मल्टी सेल्यूलर हैं, ये भी मल्टी सेल्यूलर स्केल्स ऑन वेंट्रल सरफेस, राइट। और यहां पर स्केल्स आर एब्सेंट, यहां पर भी स्केल्स आर एब्सेंट। आइए थर्ड कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। अब थर्ड कैरेक्टर में हम ये बात कर रहे हैं कि हमने बॉडी तो समझ ली कैसी है, यहाँ चपटी फ्लैट है, हॉर्नवर्ट में फ्लैट है, मॉसेस में इरेक्ट है, लीफी है। अब इनमें गैमेटोफाइट जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कहाँ होते हैं गैमेटोफाइट में, यानी एंथेरिडियम आर्चिगोनियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वेयर आर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन, या ऐसा लिख सकते हैं पोजिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट में ही प्रेजेंट है,
मेन प्लांट बॉडी पे ही है, पर कहां पर है वो समझने की अपन कोशिश कर रहे हैं। लिवर वर्ड्स में कहां होते हैं समझिएगा, तीन एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं। पहला रिक्शिया, एमआरपी था ना, रिक्शिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इसका डॉर्सल ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला, यहां पर ऐसे गड्ढे होते हैं और उनके अंदर धसा हुआ रहता है सेक्स ऑर्गन। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, हम कह सकते हैं दैट दे आर, सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन डॉर्सल सरफेस, एम्बेडेड इन डॉर्सल सरफेस। जैसे सपोज अगर ये डॉर्सल सरफेस है तो यहां इस तरह से ऐसे गड्ढे होंगे, ये राइजॉइड्स हैं, नीचे वेंट्रल सरफेस है, और ये जो डॉर्सल सरफेस है यहां पर फिर सेक्स ऑर्गन्स इसके अंदर धसे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं, राइट। सो यहां पर सपोज मेल सेक्स ऑर्गन है, यहां फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लाइक दिस। लेकिन अगर हम उस लीफी मेंबर की बात करें पोरेला की, तो वहां पे तो कोई डॉर्सल या वेंट्रल सरफेस है नहीं, वो तो लीफी स्ट्रक्चर है। तो वहां पर जो एक्सेल ऑफ लीफ है, जहां से लीफ अराइज करती है, वहां पर रहते हैं। सो इन एक्सेल ऑफ लीफ, पोरेला या जो भी लीफी मेंबर्स हैं, हमारे कोर्स में तो पोरेला ही है, लीफी मेंबर्स, वहां ये सिचुएशन होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम डायग्राम भी बनाएंगे, मार्केंशिया में क्या सिचुएशन है समझिएगा स्टूडेंट्स। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, जितने भी, चाहे लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस, वो सब ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिखती हूं, ऑल ब्रायोफाइट्स आर बायसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पर मिलते हैं। सो बायसेक्सुअल को हम और क्या कह सकते हैं, मोनोईशियस। अभी एक ट्रिक से याद करवा दूंगी, मोनोईशियस मतलब सेम प्लांट बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, या आप कहिए बायसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल ब्रायोफाइट प्लांट अलग अलग नहीं होगा, एक ही प्लांट पर दोनों होंगे, एक्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्केंशिया। मार्केंशिया में मेल मार्केंशिया अलग होगा मेल थैलस, फीमेल मार्केंशिया बिल्कुल अलग होगा। तो मार्केंशिया कैसा हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया डायोशियस, या हम कहें यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग। अब मुझे याद है बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था कि बायसेक्सुअल, मोनोईशियस, ये कैसे याद रखें टर्म्स। तो इसकी एक ट्रिक बताती हूँ आपको, ट्रिक बड़ी सिंपल है, आप डम्ब याद रख लो, डम्ब। तो डायोशियस इज यूनिसेक्सुअल एंड मोनोईशियस इज बायसेक्सुअल, राइट, लाइक दिस। यूनिसेक्सुअल हमारी तरह, मेल अलग फीमेल अलग। तो अब मार्केंशिया में मेल मार्केंशिया अलग बनेगा, फीमेल मार्केंशिया अलग बनेगा। तो सपोज ये मेल मार्केंशिया है, मान लीजिए यहां पे, ऑफ कोर्स इसमें भी राइजॉइड्स होंगे, ये वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है। एक मैं फीमेल बना देती हूं, अभी नहीं पता चल रहा है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, अभी तो बिल्कुल सेम दिख रहा है ये। सपोज करिए ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है या मेल मार्केंशिया है। इनमें ना स्पेशल ब्रांचेस होती हैं, उनके ऊपर, जिन्हें सेक्सुअल ब्रांच कहेंगे, उनमें उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। तो सपोज ये मेल है तो यहां पर टॉप पर क्या प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियम, बहुत सारे, कैसे हम देखेंगे। और यहां पर ये फीमेल है तो यहां टॉप पे प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, आर्चिगोनियम, लाइक दिस, इसमें प्रेजेंट होंगे। सो यहां पे कहां प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन, ऑन सेक्सुअल ब्रांचेस, ऑन सेक्सुअल ब्रांचेस। मेल है आर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा, तो इस ब्रांच को कहते हैं स्टूडेंट्स एंथ्रीडियोफोर। हमने पढ़ा है फोर का, फोरा का मतलब होता है टू बियर, ये बियर करेगा एंथ्रीडिया को, तो ये एंथ्रीडियोफोर हो गया। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, आर्चिगोनियोफोर। रटने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है, वो स्पेशल ब्रांच जिस पर आर्चिगोनियम लगेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये डायग्राम, अब कैसे याद रखोगे अगर ये डायग्राम पहचानने को आए। देखिए ये छाते जैसा दिख रहा है ना, कैप जैसा, आर्ची लड़की का नाम होता है। तो ये जो आर्ची लड़की है, गर्ल्स जो होती हैं
काफ़ी कॉन्शियस होती हैं अपने स्किन के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए, तो हमेशा छाता कैरी करेंगी ताकि अगर धूप आ जाए तो तुरंत वो छाता लगा लें। या ये फूल जैसा भी दिख रहा है, फ्लावर जैसा, तो बालों में फूल वूल लगाती हैं, तो इसको आप ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, अम्ब्रेला से ध्यान रख सकते हो आप या फ्लावर से याद रख सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि हमें याद रहे। और यहाँ देखो ये टोपी जैसा है, ये सब फूल जैसा या छाते जैसा नहीं है, ये कैप जैसा है। और कैप तो लड़के लगाते हैं, लड़कियां भी लगाती हैं, बट एक कैप से हमें बॉय ध्यान आता है। और बॉयज मतलब एंथर, एंथर हम जानते हैं मेल सेक्स ऑर्गन होता है, तो N3DO4। तो ऐसे कर कर आप दोनों को पहचान सकते हैं। इतना समझ में आया? NCERT के डायग्राम में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बना हुआ है दोनों में, जो अभी मैं सिर्फ बना रही हूँ पर मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। इन्हें जेमा कप्स कहते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैं सिर्फ लेबल कर देती हूँ, अभी दोनों में ही होगा जेमा कप्स, वी विल टॉक अबाउट इट, राइट? तो इस तरह से सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट पर अरेंज्ड है। नाउ यहां पर हॉर्नवर्ट्स जो है वो बिल्कुल रिकेट्सिया की तरह, स्टूडेंट्स रिकेट्सिया जो है ये सबसे सिंपल लिवर वर्ट है, बिल्कुल उसी की तरह हॉर्नवर्ट्स में भी हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, दे आर एम्बेडेड इन डॉर्सल सरफेस। यहां कुछ ज्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना है। अब हम आते हैं मॉसेस में क्या होता है। जैसे फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल लेके बताऊं मैं आपको, ये इसकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये रूट्स हैं, राइजॉइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड। इसमें जो लीफी शूट है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, अब ये शूट लाइक स्ट्रक्चर है। सपोज ये ऐसा है, ये शूट है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इन पर ऐसे लीव्स लगे हुए हैं, फिलॉइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं लाइक दिस। तो ये जो लीफी शूट है इसकी टिप पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सो वेयर दे आर प्रेजेंट एट टिप ऑफ लीफी शूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फ्यूनेरिया की बात करें, और यहां भी दोनों होंगे, जैसे यहां पर लगा हुआ है ये मेल ब्रांच हो गई, यहां पर एंथ्रीडियम मिलेंगे, ये फीमेल ब्रांच हो गई, यहां पर आर्चिगोनियम मिलेंगे, पर एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिल रहे हैं, तो ये भी नेचुरली कैसे हो गए हैं, ये भी बायसेक्सुअल या मोनोईशियस हैं। तो सभी मोनोईशियस या बायसेक्सुअल है एक्सेप्ट दिस इज मार्केंशिया, जो यूनिसेक्सुअल या डायोशियस है। सो दिस इज अबाउट द पोजीशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब आइए हम समझते हैं कि इनके स्पोरोफाइट में क्या डिफरेंस है। गैमेटोफाइट तो हमने देख लिया, अब स्पोरोफाइट देखते हैं। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक बार इसके स्पोरोफाइट को देखते हैं, कैसे वो डिफरेंट है तीनों क्लासेस में। ये गैमेटोफाइट है तो इसको मैं हटा देती हूं। अब हमारा पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? हमने पहले प्लांट बॉडी देखी, फिर हमने, अच्छा हैबिटेट तो सबका सेम रहेगा, वही मॉइस्ट डैम शेडी, तो वो मैं लिख नहीं रही हूँ। फिर हमने स्केल्स की प्रेजेंस देखी, और फिर हमने सेक्स ऑर्गन की पोजीशन देखी गैमेटोफाइट पे। सो नाउ फोर्थ इज स्पोरोफाइट कैसा होगा। अब लास्ट क्लास में हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि इनके स्पोरोफाइट के अंदर थ्री पार्ट्स हो जाते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल। तो यहाँ पर वो तीनों पार्ट्स होंगे। कैसा होगा? जैसे ये फुट, छोटा सा ये फुट है जिससे वो अटैच करेगा गैमेटोफाइट के ऊपर, फिर ये सीटा है और ये कैप्स्यूल है। तो इसमें थ्री पार्ट्स हो गए, कैप्स्यूल, सीटा, हालांकि छोटा है ये, और फुट, प्लूरल सीटी हो जाएगा, है ना, एक से ज्यादा है तो। सो फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है कि लिवर वर्ट्स में के स्पोरोफाइट में ये तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट एक्चुअली एक एक्सेप्शन होता है, वो आपको याद रखना है, एक्सेप्शन रिक्शिया। स्टूडेंट्स आपको अभी मैंने बताया था रिक्शिया सिंपलेस्ट लिवर वर्ट है, इसमें सीटी और फुट नहीं बनते, सिर्फ कैप्स्यूल होता है। सो ओनली कैप्स्यूल इन रिक्शिया। नाउ अब पता चलेगा हॉर्न वर्ट को हॉर्न वर्ट क्यों कहते हैं। लिवर वर्ट तो वो चपटी थैलस है, इसलिए अब हॉर्न वर्ट का नाम कैसे पड़ा। यहां पे कैसा होता है समझिएगा, यहां पर सीटा एब्सेंट होता है, राइट? सो यहां पे कैप्स्यूल होता है स्पोरोफाइट बॉडी में और फुट होता है, सीटे एब्सेंट होते हैं, सीटा एब्सेंट, सीटा या सीटे, सिंगुलर प्लूरल है, ये एब्सेंट है। अब क्या कहानी होती है, यहां पे ये जैसे फुट है, ये पार्ट फुट है,
जिससे वो अटैच होगा, फुट। अब फुट के ठीक ऊपर थोड़ा सा ना मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है, एक टिश्यू, मेरिस्टमैटिक। हम जानते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू का मतलब जो लगातार डिवाइड कर सकता है, ऐसा टिश्यू होता है। तो इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, ये तो लगातार डिवाइड करता जाएगा, जैसे रूट और शूट की टिप्स पे भी होता है, तभी तो पेड़ की लंबाई जिंदगी भर बढ़ती रहती है। इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ है, उस कारण से ये जो कैप्स्यूल है ये पूरी जिंदगी लंबा होता जाता है। तो एकदम लंबा सा इलोंगेटेड सा स्पोरोफाइट है, वो ऐसा लगता है जैसे गैमेटोफाइट तो बॉडी है चपटी और उस पर ऐसा लंबा सा स्पोरोफाइट निकला रहेगा इलोंगेटेड, तो कैसा लग रहा है जैसे ये सींग है, इसीलिए इसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं। तो यहां पर कैसा है स्पोरोफाइट, इलोंगेटेड स्पोरोफाइट, इलोंगेटेड स्पोरोफाइट। यहां लिख देती हूं मैं लाइक अ हॉर्न ताकि आपको याद रहे, लाइक अ हॉर्न। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर तीनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, रिक्शिया एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन आता है इस पे। यहां पर दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, यहां पर वापस तीनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, वापस से तीनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, लेकिन इसका स्पोरोफाइट जो है उसमें सीटा बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा। इसका स्पोरोफाइट बहुत एडवांस्ड है, बहुत इलैबोरेट है एज कंपेयर टू लिवरवर्ट्स। क्योंकि मैं लिवरवर्ट से इसलिए कंपेयर कर रही हूं क्योंकि दोनों में तीनों तीनों स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं यहां लिखती हूं स्पोरोफाइट इज मोर इलैबोरेट। एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आता है किसका ज्यादा इलैबोरेट है, देन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स एंड ऑफकोर्स हॉर्नवर्ट्स ऑल्सो। राइट नाउ यहां पर भी तीनों पार्ट्स हैं, कैप्स्यूल, सीटे एंड फुट, बट यहां पर सीटा बहुत लंबा है, सो लेट मी राइट हियर लॉन्गर सीटा। और ये जो लंबा सा सीटा है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली इसके कैप्स्यूल में जो स्पोर्स बनेंगे ये ऐसा लंबा सा है कर्व्ड, तो ये उनको दूर तक फैलने में हेल्प करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल। कैसे वो हम देखेंगे, ताकि दूर तक स्पोर्स जा सके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा स्ट्रक्चर होगा बना के दिखाती हूं आपको, जैसे फिनेरिया की बात करें तो जैसे ये सपोज इसका इस तरह से ये राइजोइड है, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच, ये फिलोइड हो गया, कोलोइड हो गया, ये फिलोइड हो गया, तो ये पूरा गैमेटोफाइट है। अब इसके ऊपर स्पोरोफाइट लगेगा, कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो जब स्पोरोफाइट बनेगा तो उसमें ये जैसे फुट है अंदर, फिर लंबा सा सीटा है ये रहा, और फिर ऐसे कैप्स्यूल है। सो ये पूरा स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट फ्यूनेरिया का डायग्राम है ये। इसमें ये हो गया फुट, ये हो गया लॉन्ग सीटा, और ये हो गया कैप्स्यूल। तो लिवरवर्ट और मॉसेस दोनों में तीनों तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, रिक्शिया एक एक्सेप्शन है, बट यहां पर सीटा इज वेरी वेरी लॉन्ग, लॉन्गर सीटा ऐसा लिख देती हूँ। दिस इज समथिंग यू नो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस हेल्प्स इन डिस्पर्सल। अब आइए देखते हैं कि स्टोमा प्रेजेंट है क्या, स्टोमा या स्टोमैटा। चलिए तो फिफ्थ कैरेक्टर है स्टोमैटा या स्टोमा। स्टूडेंट्स यहां पर स्टोमा एब्सेंट होते हैं, कोई स्टोमा नहीं मिलता। स्टोमा याद है ना आपको, हायर प्लांट्स में अपन पढ़ते हैं जिसके थ्रू एयर एक्सचेंज होती है, गैस एक्सचेंज होती है O2 CO2 का, एंड इट इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। यहां पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट, और कैसे होते हैं इस तरह से, ये दो गार्ड सेल्स हो गए और इनके बीच का ये जो छेद है ये स्टोमेटा हो गया। सो प्रेजेंट विथ टू गार्ड सेल्स, टू गार्ड सेल्स, ये रहे दोनों गार्ड सेल्स। अब यहां भी प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, हम बनाएंगे भी जब इसका फ्यूनेरिया का डायग्राम है, फ्यूनेरिया का डायग्राम है मैं बनाऊंगी, लेकिन इसमें एक ही गार्ड सेल होता है। तो जैसे ये गार्ड सेल है, ये रहा सेल, तो ये बीच का जो छेद है ये स्टोमा हो गया जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होगी, और ये गार्ड सेल हो गया। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टोमा विथ वन गार्ड सेल, वन गार्ड सेल,
यहाँ पे गार्ड सेल जो है देखिए वो ऐसे हैं, किडनी शेप के हैं, लाइक दिस। पर यहाँ पे गोल है, इसे एन्यूलर स्टोमा भी बोलते हैं, एन्यूलर स्टोमा या स्टोमाटा ये भी कहते हैं, राइट। ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है, मैं लिख देती हूँ। फ्यूनेरिया का डायग्राम पता है कैसे पहचानते हैं? एनसीईआरटी में ऐसे ही डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने इसको मेन एक्सिस लिखा है जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको लीव्स लिखा है जो एक्चुअली फिलॉइड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे राइजॉइड लिखा है, और इनको लेबल किया हुआ है फुट सीटा कैप्स्यूल। देखो कैसे याद रखोगे, ये सांप का फन दिख रहा है ना ऐसा, फन फन से फनेरिया, फ्यूनेरिया। चलो नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, वस्कुलर टिश्यूज की क्या सिचुएशन है। वास्कुलर टिश्यूज बताइए। अब आप कहोगे मैम ये क्यों लिखवा रहे हो, ये तो हमको पता है जाइलम फ्लोएम तो एब्सेंट होते हैं, ये तो ए ट्रेकियोफाइट्स हैं। बिल्कुल सही है। सो यहां पर वास्कुलर टिश्यूज एब्सेंट, यहां भी वास्कुलर टिश्यूज एब्सेंट। अब आप समझ गए हो अगर मैं लिखवा रही हूं तो कुछ झोल करने वाली हूं। स्टूडेंट्स मॉसेस में ट्रू वास्कुलर टिश्यू नहीं है, ट्रू जाइलम फ्लोएम नहीं है, पर कुछ पैरेन्काइमा के ही सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं वाटर और फूड को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हाईली एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं। वहाँ पर हम उन्हें कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं, हम उन्हें जाइलम फ्लोएम नहीं कह सकते, ट्रू वास्कुलर टिश्यू नहीं कह सकते, वो भी ए ट्रेकियोफाइट्स हैं, बट दे आर कॉल्ड कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स। तो वहाँ पर हम हाइड्रॉइड्स एंड लेप्टॉइड्स नाम दे देते हैं। So, यहां पर कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स प्रेजेंट, और ध्यान रखिएगा ये जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स हैं ये जाइलम फ्लोएम नहीं है, ये पैरेन्काइमा के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस स्पेशलाइज्ड सेल्स। इनमें से जो मैं यहां लिख देती हूं, जो फूड का कंडक्शन करेंगे उन्हें लेप्टॉइड्स कहते हैं, फ्लोएम नहीं, लेप्टॉइड्स। और जो पानी का करेंगे, वाटर, वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं, उसे हाइड्रॉइड्स कह देंगे। तो वैसे तो तीनों में वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, तीनों ए ट्रेकियोफाइट्स हैं, बट कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स फिर भी हमें मिल जाते हैं मॉसेस में। इसका स्पोरोफाइट भी मोर इलैबोरेट है, इसका सीटी भी लॉन्गर है, और इसमें कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स भी मिलते हैं। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री क्लासेस अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो स्पोर का डिस्पर्जल है वो कैसे होगा, क्या कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें पता है कि जब स्पोरोफाइट बनेगा उसमें स्पोर मदर सेल्स होंगे कैप्स्यूल के अंदर, और वो कैप्सूल तो तीनों में ही है, और जो स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होगा, उससे स्पोर्स बनेंगे। अब उन स्पोर्स को बाहर निकलना होगा उस कैप्सूल के अंदर से, ताकि वो सबस्ट्रैटम के ऊपर लैंड करे, वहाँ राइजॉइड्स बनाए, और फिर नया गैमेटोफाइट यानी नई प्लांट बॉडी बनाए। सो लेट अस टॉक अबाउट स्पोर डिस्पर्जल, दिस विल बी पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट नंबर हो जाएगा, हमने प्लांट बॉडी देख ली, स्केल्स देख लिया, फिर सेक्स ऑर्गन्स की पोजिशन देखी थी, फिर हमने स्पोरोफाइट देखा था, फिर वस्कुलर टिश्यूज की कंडीशन देखी थी, स्टोमैटा देखा था। सो आई थिंक दिस विल बी पॉइंट नंबर 7। चलो देखते हैं। सो यहां पर हम लिखते हैं स्पोर डिस्पर्जल कैसे होगा। देखिए मार्केंशिया की अगर हम बात करें, रिक्शिया तो बहुत सिंपल है, उसका एक नहीं लेते हैं, यहां पर हम मार्केंशिया की बात कर रहे हैं। लिवर वर्ड्स करके क्वेश्चन आए या मार्केंशिया करके क्वेश्चन आए, हमें एक ही आंसर लगाना है। यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स, जिसे इलेटर्स कहते हैं, ट्रू इलेटर्स, इनकी हेल्प से होता है, ये रटा होना चाहिए, ट्रू इलेटर्स। एक्चुअली क्या होता है, जो अभी बता रही हूँ वो भूल भी जाओगे तो चलेगा, कैप्स्यूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं ना, स्पोर मदर सेल्स में अगर मियोसिस होता है तो स्पोर्स बनते हैं, लेकिन अगर इन सेल्स में माइटोसिस हो, कुछ में तो मियोसिस होगा कुछ में माइटोसिस होगा, तो जब माइटोसिस होगा तो वन स्पोर मदर सेल से टू सेल्स बनेंगे, उन्हें इलेटर सेल्स कहते हैं, टू इलेटर्स बनते हैं, ऐसा सेल होता है वो, ऐसा सेल बनता है, और इसमें ना ऐसे बैंड्स होते हैं लाइक दिस, ये बैंड्स वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल सकते हैं,
तो जब वो फूलेंगे तो वो प्रेशर क्रिएट करेंगे कैप्स्यूल के माउथ पे, वो रप्चर होगा और फिर स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो है ये हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर रिटेनिंग बैंड्स हैं, वाटर रिटेनिंग बैंड्स। स्पोर्स फोर बनेंगे, वन स्पोर मदर सेल से मियोसिस से बन रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये क्यों आपको बताया मैंने कि इसकी प्लॉइडी क्या है। देखो स्पोर मदर सेल स्पोरोफाइट में है कैप्स्यूल में, तो ये डिप्लॉइड है। मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड है, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट हमें पता है। और माइटोसिस से अगर इलेटर्स बनेंगे तो इलेटर्स भी हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए ये बताया है आपको। और हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स हैं इनमें, तो वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे, वो फूलेंगे, प्रेशर डालेंगे माउथ ऑफ कैप्स्यूल पे, वो बर्स्ट होगा और ये स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। यहां पर भी इलेटर्स होते हैं पर ट्रू इलेटर्स नहीं होते हैं, उन्हें सूडो इलेटर्स कहते हैं, बस ये याद होना चाहिए, सूडो इलेटर्स। उनमें इस तरह के बैंड एब्सेंट होते हैं। सो लेट मी राइट हाइग्रोस्कोपिक बैंड एब्सेंट। इसके मैकेनिज्म को हमें समझने की जरूरत नहीं है। और मॉसेस का तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब फ्यूनेरिया की साइकिल बताऊंगी तब बताऊंगी, बहुत इलैबोरेट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, कई चीजें होंगी तब जाकर स्पोर का डिस्पर्सल होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज मोर इलैबोरेट दैन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स। यानी इसका स्पोरोफाइट भी बहुत इलैबोरेट होगा और इसका स्पोर डिस्पर्सल का तरीका भी इलैबोरेट होगा। और ये होता है स्टूडेंट्स विथ पेरिस्टोम टीथ, पेरिस्टोम टीथ। इसकी लाइफ साइकिल में आपको बताऊंगी, तो बस ये स्ट्रक्चर आना चाहिए कि यहां पेरिस्टोम टीथ है, ट्रू इलेटर्स हैं लिवरवर्ट्स में और फॉल्स इलेटर्स हैं हॉर्नवर्ट्स में। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो कैसा है। गैमेटोफाइट पे पूरा पैरासिटिक है या यू नो इट इज नॉट कंप्लीटली पैरासिटिक, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहां कैसे लिखूं, पैरासिटिक, या ऐसा लिखते हैं डिपेंडेंस ऑफ स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंडेंस ऑफ स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट। देखिए लिवरवर्ट्स का जो स्पोरोफाइट है, हालांकि उसमें कैप्स्यूल फुट सीटा सब कुछ है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसे सेल्स नहीं है स्टूडेंट्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट हो। यानी इनका जो स्पोरोफाइट है वो ग्रीन कलर का नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा। सो नॉन ग्रीन स्पोरोफाइट है, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इन्हें गैमेटोफाइट पे डिपेंड होना ही पड़ेगा फूड के लिए। वाटर मिनरल के लिए तो है ही, अटैचमेंट के लिए तो है ही डिपेंड, पर फूड के लिए भी है। नॉन ग्रीन है, क्लोरिन काइमा नहीं मिलता, वो वाला टिश्यू नहीं मिलता, इसीलिए इन्हें कहते हैं टोटल पैरासाइट्स हैं ये। टोटल पैरासाइट मतलब डिपेंड फॉर फूड, वाटर, मिनरल्स। ऑफकोर्स ये गैमेटोफाइट के ऊपर बनते हैं, तो वाटर मिनरल तो राइजोइड्स ही खींचते हैं गैमेटोफाइट के, वही ऊपर तक पहुंचाते हैं, पर ये तो खाना भी खुद नहीं बना सकते हैं, कुछ भी खुद नहीं करते हैं। ऑन गैमेटोफाइट टोटल पैरासाइट है। अब आप समझ गए होंगे, अगर एक टोटल है तो कोई ना कोई पार्शियल भी होगा। मॉसेस तो पार्शियल होंगे हमें पता है। अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है हॉर्नवर्ट्स की। स्टूडेंट्स हॉर्नवर्ट्स जो होते हैं ये ग्रीन होता है, इनका स्पोरोफाइट ग्रीन है, ग्रीन स्पोरोफाइट। और ग्रीन स्पोरोफाइट है मतलब अपना खाना खुद बना सकता है, यानी ये सिर्फ किसके लिए डिपेंड करेगा, डिपेंड फॉर वाटर मिनरल एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट मैंने लिखा नहीं है, हर जगह पे लिख लेना। तो पैरासाइट तो है पर खाना खुद बना सकते हैं, यानी पूरे पैरासाइट्स नहीं है, इसे पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं। और सेम सिचुएशन जो है
वो होती है यहाँ पे, ग्रीन स्पोरोफाइट, वही क्लोरेनकाइमा टिश्यू होगा, ग्रीन स्पोरोफाइट, और यहाँ पर भी हम इसे लिख देते हैं पार्शियल पैरासाइट, मतलब मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, खाना खुद बना सकता है लेकिन वाटर एंड मिनरल्स के लिए ऑफ कोर्स और अटैचमेंट के लिए ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, प्लीज नोट दिस। अब स्टूडेंट्स, एक्चुअली एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बीच बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमने समझे, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू स्केल, विथ रिस्पेक्ट टू सेक्स ऑर्गन्स, विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, विथ रिस्पेक्ट टू देयर वास्कुलर टिश्यूज, ये सब हमने समझ लिया है। अब एनसीईआरटी में हालांकि फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल डिटेल में नहीं दी हुई है, बट काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं लाइफ साइकिल को लेकर जो कवर किए हुए हैं, तो मैं फ्यूनेरिया की जो लाइफ साइकिल है उसको तो डिटेल में नेक्स्ट क्लास में लूँगी, लेकिन आज मैं आपको ये जो पार्शियल पैरासाइट है तो कहाँ पर एक्चुअली वो टिश्यू है जहाँ पर फूड बनता है उसके स्ट्रक्चर को एक बार डिस्कस कर रही हूँ। इस स्ट्रक्चर को आज अच्छे से समझिएगा, लर्न करिएगा, और जब हम नेक्स्ट क्लास में फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब मैं इसको फटाफट से बनाऊंगी और तब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो मैं मॉसेस में फ्यूनेरिया की बात कर रही हूँ, फ्यूनेरिया, राइट? फ्यूनेरिया में मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, ये राइजोइड्स है, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड ऑब्लीक सेप्टा, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं, यानी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, कोलॉइड, और इस पर इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक दिस। हम पढ़ेंगे कि फ्यूनेरिया जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें मेल ब्रांच हमेशा अलग होती है और फीमेल ब्रांच अलग होती है। मेल ब्रांच पर एंथीरिडिया प्रेजेंट होते हैं, फीमेल ब्रांच पर आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं, तो या और उनके टिप पर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसे एक्रोकार्पस कंडीशन बोलते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। तो फ्यूनेरिया जो है वो बेसिकली एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है, बरायोफाइट है या बाइसेक्सुअल, बताइए बताइए क्या है ये बाइसेक्सुअल है, क्योंकि सेम प्लांट बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, सो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन सेम प्लांट बॉडी, तो ये प्लांट पे मेल भी है फीमेल भी है, यानी बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस, जैसे कि सभी ब्रायोफाइट्स होते हैं एक्सेप्ट मार्केंशिया, फ्यूनेरिया भी होगा, ठीक है। नाउ सेकंड, इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस पे मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है एक ही ब्रांच है उसकी टिप पे मेल भी मिल रहे हैं फीमेल भी, या एक ब्रांच मेल की होगी एक ब्रांच फीमेल की होगी, अलग अलग होगा, इस कंडीशन को ऑटोइशियस बोलते हैं। सो फ्यूनेरिया ऑटोइशियस कंडीशन शो करता है, ऑटो ऑटो मीन सेल्फ, खुद की ब्रांच है, अपनी अपनी ब्रांच है, मेल अलग फीमेल अलग, पर प्लांट बॉडी एक ही है तो बाइसेक्सुअल, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, सेम प्लांट बॉडी है तो बाइसेक्सुअल, लेकिन उस पर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ऑफ कोर्स डिफरेंट ब्रांचेस कोई डिफरेंट प्लांट की तो होंगी नहीं, एक ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो उसे ऑटोइशियस बोलते हैं, अपनी अपनी ब्रांच है, और उस ब्रांच पर भी हमेशा टिप पर मिलेंगे, तो इसे एक्रोकार्पस बोलते हैं, एक्रो वर्ड हमेशा टिप के लिए यूज करते हैं, याद है आपको जब क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पढ़ते हैं, जहां सेंट्रोमियर नियर टिप आ जाता है, तो यहां पे एक्रोकार्पस कंडीशन मिलती है फ्यूनेरिया में, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट टिप ऑफ ब्रांचेस या लीफी शूट, एक ही बात है, उसकी टिप पर मिल रहे हैं, शूट टिप बोलो या एपाइसिस बोलिए, एक ही बात है, टिप पे, ठीक है। अब सपोज ये मेल ब्रांच है, यहां पे बहुत सारे एंथ्रीडिया होते हैं, ग्रुप में हम पढ़ेंगे, उनमें स्पर्म्स बनेंगे,
यहाँ पे बहुत सारे फीमेल एंथ्रीडिया आई मीन आर्चिगोनिया होंगे, उनमें एग बनेंगे, तो क्या चांस है कि भाई यहाँ का स्पर्म फटाफट से इस वाले एग के अंदर को फर्टिलाइज कर दे। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना, वेंटर होगा आर्चिगोनिया का, वहाँ घुस जाए और उसके बाद में वो एनसीसी वीसीसी डिग्रेड करें, म्यूसिलेज निकले, स्पर्म्स का कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये सेल्स का भी जेनेटिक सेम है, इसका भी सेम जेनेटिक्स है, ये तो सेम जीन्स हैं, तो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं चाहते। नेचर नॉर्मली हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन चाहता है ताकि जीन्स की मिक्सिंग हो। तो क्या करें? बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक ही टाइम पर स्पर्म और एग मैच्योर हो रहा है तो हाई चांसेस होते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन के। पर अगर किसी तरह से स्पर्म पहले मैच्योर हो जाए और एग मैच्योर है ही नहीं, तो क्या होगा? वो स्पर्म एग तक पहुंचा भी तो वो तो मैच्योर ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन हो गई नहीं। या वाइस वर्सा, एग मैच्योर हो जाए लेकिन स्पर्म मैच्योर ही नहीं है और एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होगा, उसके बाद वो मर जाएंगे। तो एक ही टाइम पर एग और स्पर्म मैच्योर नहीं होंगे अगर हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकना है। तो कुछ प्लांट एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पर स्पर्म्स यानी मेल गैमिट पहले मैच्योर होता है, मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है। कुछ होते हैं जब फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन्स पहले मैच्योर होते हैं फ्यूनेरिया में। तो मैं यहां पर लिखती हूं दैट मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम, ऐसा लिख देते हैं, एंथ्रीडिया विच इज मेल सेक्स ऑर्गन, ये पहले मैच्योर करेगा, ये पहले स्पर्म्स बना देगा बजाय की एग के। सो मेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर अर्लियर देन आर्चिगोनिया, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो टिप पर ही प्रेजेंट हैं, ये सॉरी ये मेल ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एंड्रो वर्ड, हम मेल्स के लिए यूज करते हैं जैसे गाइनी वर्ड फीमेल के लिए, और पहले मेल हो रहा है मैच्योर तो पहले को हम प्रोटो बोलते हैं, इसे प्रोटैंड्रस कंडीशन कहते हैं, प्रोटैंड्रस कंडीशन या प्रोटैंड्री ऐसा लिख देते हैं, प्रोटैंड्री। तो फ्यूनेरिया में प्रोटैंड्री कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स पहले डेवलप होंगे इन कंपैरिजन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन्स टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या हम कहें टू एनकरेज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ताकि ये जैसे एक फिनेरिया है इसके स्पर्म्स कोई दूसरे फिनेरिया के एग के साथ मैच्योर के साथ फर्टिलाइज करें। अब समझना, सपोज करिए मैं आपसे पूछूं कि इसमें स्पोरोफाइट किस ब्रांच पे लगेगा, इस ब्रांच पे कि इस ब्रांच पे? देखो, स्पोरोफाइट किससे डेवलप हो रहा है? जाइगोट से। जाइगोट कब बनेगा? जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेगा। स्पर्म जाता है एग तक या एग जाता है स्पर्म तक? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है स्पर्म जाता है पानी को यूज करके एग तक, यानी एग कहाँ है? आर्चिगोनियम के अंदर है, वेंटर के अंदर है। तो फीमेल ब्रांच में सपोज ये मैंने एक आर्चिगोनियम बनाया, फ्लास्क शेप का होता है ये बनाया, यहीं पर तो एग होगा, यहीं स्पर्म आया होगा ऐसा, ये रहा स्पर्म बायफ्लैजिलेटेड हुक शेप का, ये स्पर्म अंदर गया होगा, यही तो ये जाइगोट बनेगा, यही तो फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, फिर एम्ब्रियो एक्सोकार्पिक डेवलपमेंट शो करेगा, हमने पढ़ा है आउटसाइड की तरफ नेक की तरफ, तो यही एम्ब्रियो तो फिर ये फुट सीटा और कैप्स्यूल ऐसा बना लेगा, आया समझ? तो ये गैमेटोफिटिक बॉडी है और इसकी फीमेल ब्रांच पे हमेशा लगेगा स्पोरोफाइट। अच्छे से समझ लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, राइट? अब यहां पर ये फुट तो अटैचमेंट के काम आ गया, सीटा इतना लंबा है ताकि जब कैप्सूल के अंदर भरे हुए स्पोर्स बाहर निकलेंगे, कैसे हम देखेंगे? पेरिस्टोम टीथ के कारण, तो ये लंबा है तो ये दूर तक जा सके और दूर तक फिर मॉसेस स्प्रेड हो सके, राइट? तो इसको आप बनाइए, फिर हम इस कैप्सूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ इनके नाम नाम लिख दूंगी और मैं आपसे पूछूंगी कि फिनेरिया मोनोइशियस बाइसेक्सुअल है इसका क्या मतलब है, ऑटोइशियस है इसका क्या मतलब है, एक्रोकार्पस है इसका क्या मतलब है, और पॉलीएंड्रस या पॉलीएंड्री शो करता है इसका क्या मतलब है, और स्पोरोफाइट हमेशा इसके अंदर कहाँ लगेगा?
फीमेल ब्रांच पे लगेगा, क्यों वो हम समझ गए, क्योंकि जाइगोट जो है वो फीमेल ब्रांच पर जो आर्चीगोनिया है उनके अंदर जो वेंटर है उसी में हमेशा डेवलप होता है। अब मैं इस कैप्स्यूल का स्ट्रक्चर आज बना रही हूँ, आज इतना टाइम नहीं है, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं आपको पूरी लाइफ साइकिल समझाऊं, बट कैप्स्यूल का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। अब ये कैप्स्यूल जो मैंने यहाँ ऐसा बना दिया, ये एक्चुअली कैसा है देखते हैं। नाउ ये कंफ्यूज मत होना, ये हटा देती हूं मैं। हम बना रहे हैं फ्यूनेरिया का कैप्स्यूल, ऐसा स्ट्रक्चर है ये। एक्चुअली कैसा था, ये सपोज फीमेल ब्रांच है, ये एंथ्रीडियम होगा, सॉरी आर्चिगोनियम है, ये फुट, ये सीटा और ये रहा कैप्स्यूल। मैंने इसे एनलार्ज करके दिखाया है आपको। ऑफ कोर्स इसके नीचे सीटा होगा, राइट? मैं यहां लिख देती हूं ये सीटा, यहां से मैं कैप्स्यूल दिखा रही हूं। अब कैप्स्यूल में स्टूडेंट्स यहां पर स्पोर सैक है, दो स्पोर सैक होते हैं एक कैप्स्यूल के अंदर। मैं बनाती हूं, ये रहे दो स्पोर सैक, ठीक है? और स्पोर सैक के चारों तरफ एक एरिया होता है जहां बहुत सारे ऐसे बैंड्स हैं, सेप्टा है और बीच बीच में हवा भरी हुई है। हवा मतलब ये एरेनकाइमा टिश्यू का बना है बेसिकली। तो ये हो गए स्पोर सैक और ये कितने हैं, टू। इन्हीं सैक के अंदर स्पोर मदर सेल्स मिलेंगे जो फिर मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगे। तो स्पोर सैक स्पोरोफाइट का पार्ट है, कैप्स्यूल स्पोरोफाइट का पार्ट है, ये 2n होगा, स्पोर मदर सेल्स भी 2n होंगे, पर स्पोर्स जब बनेंगे तो मियोसिस होगा, तो स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है? अब ये है एयर कैविटीज, एयर कैविटीज, एयर कैविटीज एरेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ है और इसमें ये ट्रैबिक्यूली है, ट्रैबिक्यूली। क्वेश्चन आया हुआ है ट्रैबिक्यूली की प्लॉइडी क्या होगी, ऑफकोर्स ये सब कुछ स्पोरोफिटिक है, सब कुछ डिप्लॉइड है, तो ये भी 2n होगा। एयर कैविटी का काम क्या है स्टूडेंट्स, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करेगा, क्योंकि यहां पर अंदर हमारे स्पोर्स हैं तो कहीं शॉक नहीं लगे तो वो प्रेशर अपने ऊपर लेगा, सो शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क कर रहा है। ऑफकोर्स एरेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ है, मैं बार बार कह रही हूं। तो ये जो पोर्शन है ये तो फर्टाइल पोर्शन है, इतना जहां पर स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि वहीं से फिर न्यू थैलस बनने की संभावना है, वही स्पोर्स बाहर जाएंगे, तो इसे कहते हैं थीका पार्ट, थीका, दिस इज फर्टाइल पार्ट। पर बचा हुआ जो कैप्स्यूल का पार्ट है ये पूरा, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स एपोफाइसिस। तो कैप्स्यूल के दो पार्ट्स हो गए, एक एपोफाइसिस जो स्टेराइल पार्ट है और एक थीका जो फर्टाइल पार्ट है। हालांकि थीका में भी ये जो बीच वाला पूरा पोर्शन है ये स्टेराइल ही है, सब कुछ स्टेराइल है एक्चुअली स्पोर सैक के अलावा। ये जो पोर्शन है इसे कॉल्यूमेला कहते हैं। तो कॉल्यूमेला कहां पर है स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स ये थीका पोर्शन में है। अब जो एपोफाइसिस पोर्शन है इसका क्या रोल है, इसमें यहां पर ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स हैं जो एक्चुअली सीटा से ही चले आ रहे हैं। यहां पर ये पूरा एरिया जो है, दीज आर कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स। आपको याद है कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स क्या था, मैंने आपको बताया था कि लिवरवर्ट्स हॉर्नवर्ट्स में वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, यहां भी ट्रू नहीं होते हैं, लेकिन लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड्स होते हैं। लेप्टॉइड्स वो पैरेन्काइमा जो फूड कंडक्शन में हेल्प करेगा और हाइड्रॉइड्स जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करेगा, और बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, पैरेन्काइमा है, राइट? ये एरेन्काइमा हो गया, एयर कैविटीज एरेन्काइमा, टिश्यू में अपन पढ़ते हैं सब इन सब के नाम। तो ये मैंने बना दिया सपोज हाइड्रॉइड एंड लेप्टॉइड, ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स हो गए। अब मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया कि ये जो मॉसेस हैं इनका स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट है, ग्रीन है, अपना खाना खुद बना सकता है। अब देखिए यहां पे ये सारे जो सेल्स हैं ये पूरा भरा हुआ,
स्टूडेंट्स, ये क्लोरिन काइमा है, यानी इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, इवन इधर भी, ये सब मैं पूरा नहीं बना रही हूँ टाइम सेव करने के लिए, बट ये सारे जो हैं ये क्लोरिन काइमेटस हैं, क्लोरोप्लास्ट है, यानी उनमें क्लोरोफिल है, सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, दोनों थीका पार्ट में भी, एपोफाइसिस पार्ट में भी, ये पूरा, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेटरी टिश्यू। एसिमिलेटरी मतलब जो एसिमिलेशन करे, यानी फूड सिंथेसिस करे, एसिमिलेटरी टिश्यू, तभी तो ये ग्रीन कलर का है, ये है एक्चुअली उसमें ग्रीन, एंड फोटोसिंथेटिक, इसीलिए स्पोरोफाइट अपना खाना खुद बना रहा है, क्लोरिन काइमा का बना है ये, क्लोरोप्लास्ट इसी में मिलेंगे, क्लोरिन काइमा स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा बन गया है, क्लोरिन काइमा, ये भी पैरेन्काइमा होता है बट इसमें बड़ी बड़ी स्पेसेस आ जाती है तो इसे एरेन्काइमा बोलते हैं। एनीवेज, अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके लिए तो CO2 चाहिए, O2 रिलीज भी होगी, तो हमें गैस एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल यहां पर मिलेंगे हमें स्टोमेटा। मैं एक दो स्टोमेटा बना देती हूँ, सिंगल गार्ड सेल होगा, एन्यूलर टाइप के स्टोमेटा होंगे, क्योंकि हमें O2 CO2 एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो हम किसी भी एक को लेबल कर देते हैं, ये हो गया स्टोमा या स्टोमेटा फॉर गैशियस एक्सचेंज, और ये एन्यूलर टाइप का है, यानी वन एन्यूलर गार्ड सेल है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आया समझ में? तो एपोफाइसिस एरिया में स्टोमेटा हो गए O2 CO2 एक्सचेंज के लिए, फोटोसिंथेटिक टिश्यू हो गया, और फूड और वाटर जो भी यहाँ बन रहा है, प्लस वाटर जो नीचे राइजोइड से आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ है, गैमेटोफाइट के ऊपर है, इसके नीचे CT के नीचे फुट, फुट के नीचे पूरा का पूरा लीफी गैमेटोफाइट, उसके एंड में राइजोइड्स हैं, वो खींच रहे हैं सबस्ट्रैटम से वाटर मिनरल्स, वो सब इस कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स के थ्रू पहुंचेगा, राइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना है, वहां भी हमें पानी चाहिए होता है। सो एनीवेज, ये एपोफाइसिस पार्ट में है, पर एपोफाइसिस स्टेराइल रीजन है, फर्टाइल रीजन नहीं है। अब ये जो स्पोर सैक्स हैं, इसके अंदर ये स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, ये रहे स्पोर्स। हमने पढ़ा था कि स्पोर डिस्पर्जल जो है वो लिवरवर्ट में ट्रू इलेटर से, हॉर्नवर्ट्स में सूडो इलेटर से, और यहाँ पेरिस्टोम टीथ से होता है। यहाँ है पेरिस्टोम टीथ, लाइक दिस, टू रोज में होते हैं ये, आउटर एंड इनर, और ये कैप्सूल का ढक्कन है, लिड है, जिसे ऑपरक्यूलम कहते हैं, ऑपरक्यूलम, और ये है स्टूडेंट्स पेरिस्टोम टीथ। ये कैसे फंक्शन करेंगे हम पढ़ेंगे, पेरिस्टोम टीथ टू रोज में, जब स्पोर्स बन जाएंगे और ये पेरिस्टोम टीथ जब प्रेशर डालेंगे, तब ये कैप्सूल का ढक्कन खुलेगा और स्पोर्स बाहर जाएंगे, सूटेबल सबस्ट्रैटम पे लैंड करेंगे, और उसके बाद में फिर वो जर्मिनेट होंगे, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल। यहाँ हमने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है, TS नहीं, LS, इस कैप्सूल को हमने ऐसे लंबा काट के देखा तो हमें ये सब कुछ दिखा। सो दिस इज LS ऑफ कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। ये आना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक तो ये समझ आएगा कि इसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू कहाँ पर है, कैसे ये ग्रीन स्पोरोफाइट है, कैसे ये अपना खाना खुद बना रहा है, कैसे ये पार्शियल पैरासाइट है ऑन द गैमेटोफाइट। और दूसरा, ये इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप समझ पाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे स्पोर डिस्पर्जल होता है। नाउ एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस के साथ ये क्लास में खत्म करूंगी, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स के बीच में, सॉरी मॉसेस के बीच में। लिवरवर्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट करता है और बनाता है गैमेटोफाइट, जबकि मॉसेस में वो पहले बीच में स्टेज बनाता है जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं, और उससे बनता है गैमेटोफाइट। सो पॉइंट नंबर 8 मैं यहां लिख देती हूं, लिवरवर्ट्स जो हैं उनमें स्पोर्स जो हैं वो डायरेक्ट जर्मिनेशन शो करते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन, और जर्मिनेट करके सीधा गैमेटोफाइट बना देंगे, जैसे मार्केंशिया है, रिक्शिया है, डायरेक्ट। लेकिन जो मॉसेस हैं, मॉसेस, इनमें ऐसा नहीं होगा, कैसे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मॉसेस में स्पोर जो है
वो प्रोटोनीमा नाम की बीच में एक स्टेज बनाएगा और फिर गैमेटोफाइट बनाएगा, जो लीफी गैमेटोफाइट है इसका, जो हम डायग्राम देखते हैं ये भी गैमेटोफाइट है, पर ये इमैच्योर स्टेज है, इसे हम लीफ जैसा नहीं है, फिलामेंट धागे जैसा है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिलामेंटस या इमैच्योर यानी जुविनाइल गैमेटोफाइट कहते हैं गैमेटोफाइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको वो डायग्राम में लिखवाया था मौसा जी की प्रोटीमा यानी प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर यहां बनता है यहां नहीं बनता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे फ्यूनेरिया की में एक्चुअली लाइफ साइकिल होती है, जो आप मुझे खुद साथ साथ मेरे बताएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा है, बस अब हमें उन सब चीज़ों को एक साथ पैकेजिंग करनी है। और कैसे ये हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, एंड देन वी विल रीड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।